इंदौर की सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का यह कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। जी हाँ, उन्होंने यह कहा, यदि यह मेरा आखिरी साल है और यमराज कहें कि तुम्हें अभी 10 साल और जीना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कभी यह नहीं कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। संगठन ही तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं। जहाँ जाना चाहे, जहाँ जैसा आता है। रीवा का एक संगठन यहाँ पर है, बार बार बोलते थे रीवा जाने के लिए गाड़ी। तो ये लोगों को हमेशा उनकी आवश्यकता अनुसार काम करने की इसलिए मतलब अगर संगठन संगठन कुछ कहता है आपको तो आप तैयार हैं? किस बात के लिए? लोकसभा के लिए। भाई जब मैं अपने आप को कहती हूँ, ऐसा होता है ना कि मैं आखिर हूँ कौन? मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, किसी कोई एक व्यक्ति मुझे कहे कि 89 में जब पहली बार मैं चुनाव लड़ी, मैं कभी मांगने गई थी क्या? नहीं मांगने गई थी। संगठन ने तय किया तुम्हें लड़ना है, संगठन तय करता है तुम्हें राज्य मंत्री बनना है तो राज्य मंत्री बनना है। संगठन ने अभी तय किया, मैंने एक शब्द से नहीं बोला था कि मैं 8 बार लड़ी अब मुझे मुख्यमंत्री तो बनना ही पड़ेगा। आपने कभी सुना? नहीं सुना। तो संगठन ने कहा आपको स्पीकर बनना है तो स्पीकर बने, जो मिला। मगर हाँ, स्पीकर बनने के बाद एक बात ध्यान में रखी मैंने कि जो दायित्व मिला है वो दायित्व में अच्छे से निभाऊं, और वो निभाने की मैंने कोशिश करी है कि वो भी अच्छे से निभाया, ऐसा मुझे लगता है। आप चुनाव लड़ेंगे संगठन कहेगा तो संगठन को कहने तो दो। आप क्या कहते हैं यूपी में? अच्छा मुझे बताओ आप क्या कहते हैं। हम तो चाहते हैं आप फिर से लड़े। नहीं, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, आपने बहुत ध्यान दिया अपने क्षेत्र में। आप ऐसा बहुत तो सही टाइम है। इंदौर से इच्छापुर की जो सड़क है उस सड़क पे आए दिन जाम लगता है। कौन सी? इंदौर से जो इच्छापुर का जो बनना है हड़वा वाली, वो हो रही है? नहीं, अभी भी करीब 2-3 दिन लगातार जाम रहता है। तो कब शुरू होगी इसकी प्रक्रिया? अभी हो गई, अभी मेरे नितिन जी से अभी अभी बात हुई है। और इंदौर के जितने भी हाईवेज, नेशनल हाईवेज है, उसकी पूरी सब योजना बनी है, स्वीकृत हो गया है और बहुत ही जल्दी उसका काम शुरू भी हो जाएगा। तो उसमें ये भी है, बुरहानपुर से आगे तक जोड़ने वाली बात है, वो केवल हम यहाँ से नहीं कहते हैं। तो वह पूरी डिटेल उसकी भी एक दिन सड़क वालों को यहाँ बुला करके उनसे सब करके पूरी डिटेल मैं आप सबको दे दूँगी कि दोनों तीनों जितने भी नेशनल हाईवे है। उससे भी ज़्यादा एक बात अब मैं अभी बोलने वाली नहीं थी, मैंने सोचा था पूरी एक साथ सबकी बैठक लूँगी। तो बाहर से भी जो गुड़गांव से लेके बड़ौदा तक एक बड़ा हाईवे बन रहा है, और उस हाईवे को भी मैं इंदौर को जोड़ दूँगी। चिंता। वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन द्वारा उनके सामने चुनाव लड़ने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा, प्रजातंत्र में सभी स्वतंत्र हैं। और प्रियंका गांधी के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर ताई ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बात समझ में आ गई है कि इतने बड़े देश की राजनीति संभालना उनके अकेले के बस की बात नहीं है, इसी कारण वे प्रियंका की मदद ले रहे हैं। राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, ये उनकी समझ में आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात की, ये समझ आ गई उनमें कि मैं नहीं कर सकता हूं, और इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को मदद के लिए लिया। कुल मिलाकर ताई इस मूड में है कि वे अगला लोकसभा चुनाव इंदौर से लड़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।